श्री यमुना जी के तट पर आकर के गोपियों ने भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के गीत गाया, वो है श्रीमद् भागवत का गोपी गीत। गोप्य उचुहु जयति ते धिकं जन्मना व्रजः, जयति ते। सब गाइए, जिसके पास पुस्तिका हो पुस्तिका में देखते हुए गाए, भक्ति सुधा हो यदि हाथ में, जिनको कंठस्थ हो वे भी साथ में गाए, नहीं तो सुनते हुए गाए। जयति ते धिकं जन्मना व्रजः, जयति ते धिकं गाइए। जन्मना व्रजः श्रयत प्यारे प्रियतम,
तुम्हारे प्रागट्य से व्रज की शोभा बढ़ गई है। जब से तुम जिंदगी में आए हो हमारी जिंदगी का आनंद बढ़ गया। जब से तुम आकर यहां रहे हो तब से रमा इंदिरा लक्ष्मी यही निवास करती है ब्रज में। हम तुम्हारी दासियां तुम्हारी सखियां तुमको भज रही हैं तुमको याद कर रही हैं। प्यारे श्याम सुंदर आ जाओ प्रकट हो जाओ, हमारे प्राण तुम में ही लगे हुए हैं, बिना तुम्हारे हम रह नहीं सकते। शरतकालीन स्वच्छ सरोवर के जल में खिले हुए कमल की लालिमा को जिन्होंने हर लिया ऐसे तुम्हारे नेत्र कमल नेत्र है भगवान, कमल नयन है कृष्ण। उन नयनों से जब तुम हमें देखते हो हम पर कृपा दृष्टि करते हो तो वो दृष्टि हमारे हृदय को छूने वाली। हमें वियोग में क्यों मार रहे हो, और यदि इसी तरह से मारना था तो फिर वर्षा से बिजली से कालियनाग से इंद्र के कोप से अनेक असुरों से तुमने हमारी अनेकों बार रक्षा करी है तो उस वक्त मर जाने देते, अब इस तरह से वियोग में क्यों तड़पा तड़पा कर मार रहे हो। हम जानती हैं तुम केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हो। नखल गोपिका नंदनो भवान, नखल गोपिका नंदनो भवान, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, विखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सात्वतां कुले सखौ देवा सात्वतां कुले। आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आप प्राणी मात्र के हृदय में विराजमान अंतर्यामी नारायण। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आपने गुप्त रूप से सात्वत कुल में जन्म लिया है। देखो गोपियों को महात्म्य ज्ञान है, जानती हैं वे कि कृष्ण कौन है। वो कोई यशोदा के हैंडसम छोरे के पीछे लट्टू नहीं हुई है, वे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान परमात्मा श्री कृष्ण उसकी प्रेमिकाएं हैं, यानी उसकी भक्त हैं। संसार के भय को मिटाने वाला और भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाला आपका वरद हस्त हे प्रियतम प्रकट हो जाओ और हमारे मस्तक पर धरो, ताकि हमारी कामना पूर्ण हो जाए। और हमारी कामना क्या है, हम तुमसे कुछ नहीं चाहती, हम तो तुमको ही चाहती, तुम्हारे दर्शन की ही कामना। हे व्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले, हे गर्वगंजन, यदि हमारे में अभिमान आ गया, हमसे गलती हो गया, तो हमारे अभिमान को दूर करने का सामर्थ्य भी तुम में है ना, तुम हमारे अभिमान को मिटा दो, लेकिन हम पर दया करो। अभिमान रोग है माना, तो रोगी पर रोष नहीं किया जाता, रोगी पर कृपा किया जाता है और उसको रोग से मुक्त हो जाए ऐसा प्रयास किया जाता है। उस वक्त रोगी को छोड़कर लोग चले नहीं जाते। अभिमान प्रेम में सबसे बड़ा पाप है, प्रेम में ईगो तो प्रेम कहां है। हमसे अपराध हुआ पाप हुआ
हमने अहंकार किया, तो उस पाप से बचने के लिए हम तुम्हारी ही शरण में, चरणों में नमस्कार करती हैं। क्योंकि ये चरण कैसे हैं? प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम्, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम्, फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम्, कृणुकुचेषु नः कृन्धिरुच्छयम्, कृणुकुचेषु नः कृन्धिरुच्छयम्। प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले आपके चरणारविंद, गायों के पीछे पीछे चलने वाले आपके चरणारविंद, जिन चरणों में लक्ष्मी का निवास है नित्य, वो आपके चरणारविंद, प्रकट हो जाओ, आओ हमारे हृदय में पधराओ। क्यों भाई तुम्हारे हृदय में क्यों पधराओ? बोले तुमने काली के मस्तक पर तो पधराया था, काली की फणा पर पधराया था, तो हमारे हृदय में क्यों नहीं पधराओगे? काली तो दुष्ट था, फिर भी तुमने अपने चरणों को काली की फणा पर पधराया। क्या हम कालिया से भी गई गुजरी है? हमको तुम्हारे चरण का क्यों लाभ नहीं मिलेगा? भगवान ने कहा पागल मत बनो, काली का तो मैंने निग्रह करना था, इसलिए उसके माथे पर अपना चरण रखा था, तुम्हारे हृदय में क्यों रखूंगा? तो बोली, अरे ओ नाग नथैया, यदि नाग का निग्रह करने का इतना ही शौक है, तो हमारे हृदय रूपी हृद में भी दो दो सर्प है, दर्प और कंदर्प। दर्प अभिमान, कंदर्प काम, ये दोनों भक्ति मार्ग में बड़े बाधक हैं। नाथ तुम अपने चरणों को हमारे हृदय में पधराओ, दर्प कंदर्प दो सर्पों को बाहर निकाल दो। हमारा मन कभी वासना में न जाए और हमारे मन में कभी अभिमान न हो जाए। हम तो शरणागत हैं, हमें आप ही संभालो। मधुराया गिरा वल्गु वाक्यया, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण, बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण, विधि करी रिमा वीर मुह्यति, विधि करी रिमा रधरसी धुना प्यायस्वना, रधरसी धुना प्यायस्वना। तुम्हारी मधुर वाणी, तुम्हारे वल्गु वाक्य, वल्गु का मतलब है गूढ़ार्थ से भरे हुए वाक्य, जिसके रहस्य को बुद्ध पुरुष ज्ञानी पुरुष ही समझते हैं। हे कमल नयन, ये सब हमको मोहित करता है, प्रकट हो जाओ, आ जाओ और हमें अधर सुधा का पान कराओ। पुष्कर एक क्षण, पुष्कर कहते हैं कमल को, पुष्करे कमले, हृदय कमले इक्षण दृष्टि ही यस्य सपुष्करे क्षण।
जिसकी दृष्टि भक्तों के हृदय के भावों पर टिकी हुई है वो भगवान पुष्करेक्षण। पुष्करेक्षण का अर्थ कमल नयन होता है, ये तो स्वाभाविक सामान्य अर्थ है, लेकिन पुष्करेक्षण का अर्थ जो भक्तों के हृदय कमल पर दृष्टि करता है यानी भक्तों के भावों को देखता है वह पुष्करेक्षण। आप हमारे भावों को समझते हैं, प्रकट हो जाइए, हमें अधर सुधा का पान कराइए, अधरामृत पिलाइए। अधरामृत क्या है? धरायाः अमृतम धरामृतम न धरामृतम इति अधरामृतम। पृथ्वी का जो लौकिक सुख है उसको कहेंगे धरामृत, और जो लौकिक नहीं अलौकिक आनंद है उसको कहेंगे अधरामृत। प्रभु हमें उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कराओ। क्यों 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 वो मन क्यों हुआ? बोले तुम्हारी कथा सुनी इसलिए, कथामृत पिया, अब वो अधरामृत पीने की इच्छा। जो भी भगवत कथा का आनंद लेगा उसको फिर दुन्यवी आनंद तुच्छ लगेंगे और अलौकिक आनंद ब्रह्मानुभूति की इच्छा हो। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भेरेणितम कल्मषापहम, कवि भेरेणितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। तुम्हारा ये कथामृत हमने पिया, कैसा है ये कथामृत? कल्मषाप हम, पाप का नाश करने वाला, कवि भी ईडितम, ऋषियों के द्वारा संतों के द्वारा जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई है वो तुम्हारा कथामृत ये हमने पिया है। जो तप्तों का जीवन है, तप्त जीवनम तप्तानाम जीवनम, संसार ताप तप्तानाम जीवनम, शोक संताप तप्तानाम जीवनम, वा भगवद विरह ताप तप्तानाम अपि जीवनम, तप्त जीवनम तव कथामृतम, उसका हमने पान किया। तो जब पाप का नाश हुआ तुम्हारी कथा सुनते सुनते तो तुम्हारे लिए प्रेम हो गया, और जब तुम्हारे लिए प्रेम हो गया तो तुम्हारी प्राप्ति की यानी तुम्हारी अनुभूति की, उस ब्रह्मानंद की अनुभूति की इच्छा हुई, इसलिए वो अधरामृत का पान कराओ। हमें अपना अनुभव प्रदान करो नाथ, क्योंकि तुम्हारी कृपा के बिना हम तुम्हें नहीं जान सकते। गोपियों ने गीत गाया, ये गोपी गीत है, 19 श्लोक है गोपी गीत, भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया श्री कृष्ण को, लेकिन कहीं कृष्ण का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये कृष्ण प्रेमिकाएं हैं और हमारे यहां ये परंपरा रही कि जिसके प्रति अति प्रेम हो उसका हम नाम नहीं लेते, इसलिए हमारे यहां पत्नी पति का नाम नहीं लेती, पति